3 मई 1999 जब पाकिस्तान ने 1971 का समझौता तोड़ करके चीन ग्लेशियर पर हमला कर दिया और ऊंचे ऊंचे बंकर बनाकर पहाड़ों पर बैठ गए। तब भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा और ऊंचे ऊंचे बंकरों को समाप्त करके यह जंग को आसानी से जीत लिया। पर उस मामले में भारत को एक हेलीकॉप्टर की जरूरत समझ में आई जो पहाड़ों पर आसानी से बंकरों को समाप्त कर सके और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सबक सिखा चुके। क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं में अधिकतर पहाड़ों की बहुत ज़्यादा भूमिका है, इसलिए भारत ने यह सोचा कि इस तरह के हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। इसी के आरंभ कड़ी में प्रचंड हेलीकॉप्टर बनकर के 2022 में अब इंडियन वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडियन वायुसेना में शामिल किए गए हैं, जिसमें से 5 थल सेना को दे दिए गए हैं। बात करें प्रचंड की खासियत की तो प्रचंड 5.8 टन वजनी है और वह 1 मिनट में 750 गोले दाग सकती है। यह 2 इंचन वाला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड है और किसी भी रडार के पकड़ में न आने वाली एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यह लाइट वेट है, तेजस की तरह इंडिजीनियस विकसित है और सबसे बड़ी बात यह भारत में ही बनाई गई है। यह सर्दी गर्मी धूप और बड़े बड़े रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी आसानी से ऊंचाई भर करके चीन और पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकती है। यह तो केवल आरंभ है, इसीलिए इसका नाम प्रचंड रखा गया है। और इंडिया का एक टैंक जोरावर भी इसी तरह की कंडीशन का है। जोरावर के बारे में ज्यादा जानना है तो कमेंट बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जय।